नमस्कार, मैं डॉक्टर रीना अरोड़ा एक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर हूँ और मेरी वीडियो को देख के प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को अगर आपको अच्छा लगे, ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। आज हम बात करेंगे डायरिया पर। अगर किसी का पेट खराब है या फ्रीक्वेंटली लूज मोशंस होती है तो क्या खाना चाहिए आपको? धनिए की चटनी बहुत अच्छी है डायरिया में। इसमें आप अनारदाना डाल के अगर इसकी चटनी बनाएं और फ्रेश चटनी खाएं तो बहुत हद तक आपको बिना दवाइयों के भी इससे फायदा होगा। मसूर की दाल बहुत अच्छी है डायरिया के लिए। बिल्कुल पतली, जैसे बच्चों की मांड बनाते हैं हम, वैसी खिचड़ी आपको खानी है। और बिल्कुल जरा से चावल, जरा सी मसूर की दाल डालकर उसमें जीरे का ग्राइंडेड जीरा आप उसमें डाल सकते हैं, सूखा धनिया भी ग्राइंड किया हुआ डाल सकते हैं, अनारदाना भी डाल सकते हैं, सौंठ भी डाल सकते हैं। ये मिक्सचर अगर आप डायरिया के लिए यूज करेंगे तो आपका पेट कभी खराब नहीं हो सकता। और खाना तभी खाइए जब आपको मजदूरों जैसी भूख लगी है। बार बार ओवर ईटिंग करने से भी लूज मोशंस लगती हैं। जिनकी टेंडेंसी है कि उनको लूज मोशंस होती हैं, तो वो इन बातों का ध्यान रखें। भे की जो सब्जी है, जिसको कमल ककड़ी बोलते हैं, बहुत अच्छी है डायरिया के लिए। इसलिए जिनको डायरिया होता है वह उसको ले सकते हैं। छाछ बहुत अच्छी है डायरिया के पेशेंट्स के लिए। दही में भी अगर आप जीरा डाल के खाएं, भुना हुआ जीरा, तो वो भी आप ले सकते हैं डायरिया में। और इसके अलावा आप बिल्कुल लाइट खाना लीजिए जब आपका पेट खराब है। अगर आपको फ्रीक्वेंटली डायरिया होता है, कुछ लोग ब्रेड लेते हैं रोज, अब उनके लिए ब्रेड बिल्कुल ठीक नहीं है क्योंकि उसमें सोडा डला हुआ है बनने के लिए, उसमें बेकिंग पाउडर वगैरह डलता है, तभी वो ऐसी यीस्ट वाली चीजें बनती है। तो इसलिए ब्रेड का यूज उन दिनों में मत कीजिए। वैसे भी कम लेनी चाहिए ब्रेड, बहुत हेल्दी फूड्स में से नहीं आती है। और दूसरा, दलिया आप ले सकते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन वो भी बिल्कुल पतला, और उसमें भी अगर आप धनिया डालें तो बहुत अच्छा है। मुझे उम्मीद है कि जो चीजें मैंने बताई हैं वो आपके लिए कुछ हेल्प करेंगी। और एक फ्रूट मैं बताना चाहूंगी कि अनार अपनी डाइट में जरूर डालिए अगर आपको डायरिया की प्रॉब्लम होती है। केला लें बट एक आधा, बहुत ज्यादा नहीं। अनार को छोड़ना नहीं, पपीता नहीं लेना डायरिया में, अमरूद भी नहीं लेना, और बहुत ज्यादा और रफेज नहीं लेनी है डायरिया में। इन चीजों को जितना मैंने बताया है बस इतना ही अगर आप कर लेंगे तो बिना मेडिसिन के भी काफी हद तक आपका पेट ठीक रहेगा। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।